हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो कोई नहीं डाली थी, सो सोचा कि कुछ आज आपके साथ दिल की बातें की जाए। और साथ ही साथ आज मैं आपको मेंबरशिप किट भी दिखाने वाली हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बीच में से स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे मुझे करनी है अबाउट डिसम्बर 2021 अटैम्प्ट के बारे में। किस तरह से मैं आपके लिए लाने वाली हूँ वो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आपके साथ डिस्कस करनी है। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने मेरा आप चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको नोटिफिकेशन के थ्रू पता नहीं चल पाता है कि मेरे वीडियोज़ कब अपलोड होते हैं। सो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं आगे चल के, तो सब्सक्राइब माई चैनल। और सॉरी फॉर दैट, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम के बीच में ही ऑप्ट आउट किया है। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनी दैट सर्कमटेंसेस, क्योंकि सभी के अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये किया है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उनका एक पेपर अच्छा नहीं किया, देन दे चूज टू ऑप्ट आउट द दैट ग्रुप। तो ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। तो एनीवेज, मैं उस बारे में डिस्कशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगी। किसी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा और उनके साथ उन्होंने ये सोचा होगा कि उन्होंने जो किया है सही किया है। सो मैं उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी। बट मैं ये डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि दिसंबर 2021 आपके लिए लास्ट अटैम्प है। दिसंबर जो अभी आपका ये अगस्त अटैम्प था, एनी रीज़न की वजह से आपके पेपर अच्छे नहीं गए होंगे, बट फॉर द दिसंबर ये आपका लास्ट अटैम्प है। एनी हाउ आपको इसे निकालना है। आपके पास अब ऑप्शन ऑप्ट आउट वाला नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि CA के भी जो ओल्ड वाले हैं उनके लिए भी लास्ट अटैम्प है। नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उनकी, तो आप लोगों के लिए भी लास्ट अटैम्प ही है। अब वो मुझे नहीं लगता एक्सटेंशन के कोई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन भी काफ़ी कुछ हद तक नॉर्मल है, तो मुझे नहीं लगता कोई तरह का एक्सटेंशन अब होने वाला है। तो यहाँ पे जिसको भी ऐसा डाउट मन में आ रहा है कि मेरा पेपर एनी हाउ रह जाएगा, ग्रुप निकल नहीं पाएगा, तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आप पास भी होते हो तो देखो, पढ़ा हुआ तो आपके काम ही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कंपनी लॉ जिसका है, तो कंपनी लॉ, CRBI, सेक्रेटरी लॉ ऑडिट जो भी है, DD, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स काम के ही है। कोई आपका इसमें आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट या फिर मेरा ये ग्रुप नहीं निकलेगा, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, या फिर आप सितंबर के फर्स्ट वीक से आप इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सितंबर में मैं सारे वीडियोस जो पढ़ाई रिलेटेड होने वाले, स्टडी रिलेटेड, जैसे मैं स्टडी प्लान ले लो या फिर कोई लेक्चर्स ले लो, तो मैं ये सितंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके पहले मैं नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सितंबर से आप लोग अपनी स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली कर लो। तो देखो, जब तक आपको जो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो अभी आप अगस्त तक अपने हिसाब से कर लो। सेप्टेम्बर से मेरे जो चैनल पे वीडियोस है वो टाइम टू टाइम अपलोड होते जाएंगे, तो आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। ऐसे नहीं है कि आप उसको अनसब्सक्राइब कर लो तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिल पाए, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं सभी ग्रुप में भेज नहीं सकती हूँ। देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, ये ग्रुप में अगर भेजती हूँ तो किसी को इसको प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं सभी ग्रुप में नहीं डाल सकती हूँ। मेरे जो 2-3 ग्रुप है मैं उसमें ही डालना पसंद करूँगी, अब से मैं नहीं डालूँगी ज़्यादा इसमें। और जो टेस्ट, जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी, बट इस टाइम मैं करूँगी नहीं करूँगी ये सितंबर में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये जो अगस्त अभी कुछ 5-1 दिन अब बचे हैं, तो उसमें आपको आपकी प्लानिंग कर लेनी है कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है और आपका कितनी बार रिविजन होना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। आई नो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो शायद आपको थोड़ा कुछ फील होगा अच्छा। मैं कल रोड क्रॉस, जस्ट मैं गाड़ी पे थी और रोड ऐसे सीधी सीधी चल रही थी, और एक जो डॉग था वो क्रॉस कर रहा था रोड, एंड दैट डॉग वॉज हैंडीकैप्ड। तो मैं ये सोच के चल रही थी, देखो ये डॉग हैंडीकैप है, बट देखो इसकी एक उसको डर नहीं है कि गाड़ी आ रही है, मैं कैसे रोड क्रॉस करूं। और हम हमारी लाइफ में हर मोमेंट पे डरते हैं। एग्ज़ाम होने के पहले का डर, एग्ज़ाम देने के बाद का डर,
रिजल्ट आने के पहले का डर और रिजल्ट क्या मतलब रिजल्ट के बाद का डर। तो जो फियर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारे एक लाइफ में होता ही नहीं है। हम कब तक मतलब जब तक हमको एक कॉन्फिडेंस लेवल की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक फिर आपका सारा यहाँ पे क्या होता है, गिचड़ मिचड़ काम होता है। तो आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। डिसीजन आपका था, आपने ऑप्ट आउट किया। मान लो अभी किसी ने ऑप्ट आउट किया होगा और वो वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि मान लो डिसीजन आपने लिया होगा ऑप्ट आउट का, तो शायद उस वक्त आपको सही लगा होगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने वही ग्रुप पास कर लेगा, आप बोलोगे अरे यार शिट, मैंने अगर ऑप्ट आउट नहीं किया होता तो मेरा हो जाता। तो यहाँ पे आपको रिग्रेट वाली जो चीज़ है ना, वो कभी नहीं करनी चाहिए। मैं एक और वीडियो आगे लाने वाली हूँ कि CS बनने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। आई होप एज अ स्टूडेंट से आप जब मेंबर बनते हो ICSI के, तो क्या चेंजेस आप फेस करते हो और किस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलता है फ्रॉम द पीपल, ठीक है। लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, फैमिली मेंबर्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं, सोसाइटी आपको कैसे देखती है, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस मैं एक वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस सुनना है तो डू कॉमेंट, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को इंटरेस्ट है मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए, ठीक है। सो मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे को मेम्बरशिप किट मिला है, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि ICSI से मेंबरशिप किट मिले, इस तरह से बॉक्स में आया था वो। एंड उसके साथ मुझे मिला है एक प्यारा सा लैपटॉप बैग, जो डेफिनेटली मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत की एक ये कमाई है, ठीक है। उसका आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये प्रीशियस गिफ्ट मुझे ICSI से एज अ मेंबर जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे वहाँ से मेंबरशिप किट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किट इस तरह से है, इसकी यहाँ पे 1 चेन एंड देयर इज 2 चेन यहाँ पे। ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट यस उसके साथ मुझे क्या क्या मिला वो शेयर मैं आपके साथ ज़रूर करूँगी। यहाँ पे आपको 3 बुक्स मिलती है। 1 इज़ अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 1982, अमेंडेड है पूरी। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी एक्ट मुझे मिलता है विद रूल्स, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है। एंड उसके बाद में मुझे गाइडेंस नोट्स दिए गए हैं, जिसमें मुझे कंपनी सेक्रेटरी के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए वो इस बुक में पूरा लिखा गया है। पता है आफ्टर बिकमिंग CS ये पढ़ने का इतना अच्छा फीलिंग आता है ना, इसमें सारे आपके कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से आपको करना है, इलेक्शंस वगैरह कैसे होंगे, क्या आपके राइट्स है एज अ मेंबर, क्या आपकी ड्यूटीज है एज अ मेंबर, ये सब कुछ इसमें दिया है। तो यहाँ पे आपको ये 3 बुक्स मिलेगी। और यहाँ पे सेकंड आपको ये मिलेगा, ये कार स्टिकर्स, और मैं कह सकती हूँ कार पे लगाने के लिए जो CS का स्टिकर है ये आपको दिया जाएगा। 2 ऐसे सेट मिलेंगे आपको। तो सेकंड आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको अब कार परचेस करनी है ताकि ये आप उस पर लगा सको। तो सेकंड ड्रीम मेरा यही है कि अब मुझे कार परचेस करके इस पर ये लगाना है। तो आप भी ऐसा कुछ ड्रीम कर सकते हो। थर्ड मुझे मिली है ये बैच CS की, अगर आपको दिख रही होगी तो ये मुझे बैच मिली है, जो कि जब कॉन्वोकेशन होगा तो मैं इसे ज़रूर लगा के जाना पसंद करूँगी वहाँ पर। और आई थिंक अब कॉन्वोकेशन तो हमारा जैन में ही होगा, तो तभी मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो मेंबरशिप का जो सर्टिफिकेट होता है वो कॉन्वोकेशन में दिया जाता है। सो आप लोगों को भी ये अपना सपना पूरा करना है, और ये जो लैपटॉप बैग है ये पाने का सपना आपको पूरा करना है, क्योंकि इसका जो मज़ा है, इसका जो होल्डिंग का जो एहसास है बहुत अलग है। तो अपने ड्रीम्स को पूरा आपको करना है इससे, इसके साथ, इसके लिए आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि जब ऑफिस में जाओ तो ये बैग लेके जब आप जाओ तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जो वीडियोस मेरे आने वाले हैं वो September 1st week से मैं डालने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। और जिसने भी मेरा ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए मेरा ग्रुप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो फिर आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस भी अपडेटेड होते रहेंगे। और उसके बाद में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाय नोटिफिकेशन आपको सारे वीडियोस मिले। और हाँ,
प्रेस बेल आइकॉन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते, तो उनको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिल पाते हैं। तो प्रेस बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और डू कॉमेंट कि अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना है कि मेरी सीज बनने के बाद की कैसी जर्नी रही, तो प्लीज़ उसे आप कॉमेंट में बता दीजिए, तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। लव यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।